श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को कुछ हथियार मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ हथियार बरामद किए हैं और इस वक्त पुलिस को शक है कि श्रद्धा के शव को इन्हीं हथियार से काटा गया था। आफताब में श्रद्धा हत्याकांड के बाद श्रद्धा की एक अंगूठी भी थी जो किसी लड़की को दे दी थी और वो लड़की को दी जिसे उसने श्रद्धा की हत्या के बाद अपने फ्लैट में बुलाया था। और जिस लड़की को आफताब ने अपने फ्लैट पर बुलाया था उसको ये अंगूठी देने की जानकारी भी अब सामने आ रही है। दो बड़ी अपडेट्स इस मामले से जुड़ी हुई आ रही हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि श्रद्धा को की लाश को जो हथियार यूज किया था आफताब ने काटने के लिए वो दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही श्रद्धा की एक अंगूठी थी जिसे आफताब ने उस लड़की को दिया था जिसे उसने अपने फ्लैट में बुलाया था श्रद्धा के मर्डर के बाद। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बड़ी अपडेट इस वक्त इस पूरे मामले में आ रही है। आपको बता दें कि रोहिणी एफएसएल में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी चल रहा है और इस हत्याकांड के पीछे पूरा सच क्या है, आफताब ने क्या कुछ सही बताया है पुलिस को, अब तक क्या कुछ वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये तमाम जानकारी जुटाने में इस वक्त पुलिस लगी हुई है। अलग अलग प्रदेशों में भी कई टीम्स हैं दिल्ली पुलिस की जो काम कर रही हैं, लेकिन इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ना सिर्फ श्रद्धा की निर्मम तरीके से हत्या की आफताब ने, उसके बाद भी एक लड़की को घर पे बुलाया और उसे श्रद्धा की अंगूठी देने की बात भी सामने आ रही है। जिस हथियार का इस्तेमाल करके आफताब ने कथित तौर पर श्रद्धा के शव के टुकड़े किए वो हथियार बरामद होने की अपडेट भी आ रही है पुलिस की तरफ से। ये तमाम बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। जहां एक तरफ आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है रोहिणी एफएसएल में, वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी अपडेट आ रही है कि एक अंगूठी थी श्रद्धा की जिसे पुलिस को शक है कि आफताब ने जब उसके फ्लैट पर एक और लड़की आई थी श्रद्धा की हत्या के बाद उसे दिया था, वो जानकारी एक तरफ सामने आ रही है। दूसरी तरफ श्रद्धा की लाश काटने वाला हथियार भी मिलने की अपडेट आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आफताब ने किस चालाकी से अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या की, फिर उसके शव को ठिकाने लगाया, 6 महीने के अंदर उसके शव के टुकड़ों को जाकर मेहरोली के जंगल में फेंक कर आया, कहां उसने श्रद्धा के फोन्स फेंक दिए, उसके सिम कार्ड्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया, किस तरह से उसके दोस्तों को व्हाट्सएप चैट्स के जरिए या फिर वाईफाई इस्तेमाल करके धोखा देता रहा, ये तमाम जानकारी पुलिस भी जुटाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे हत्याकांड का सच क्या है, क्या वो चीजें हैं अब तक जो आफताब ने सच बताई है इस हत्याकांड से जुड़ी और क्या कुछ उसने गलत बोला है। सीधा रुख करते हैं इस वक्त प्रमोद शर्मा का जो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रमोद, ये जो दो बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं, एक ये अंगूठी मिलने की अपडेट और दूसरा हथियार बरामद हुआ है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है पुलिस के हवाले से? देखिए, पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कुछ हथियार बरामद किए हैं जो कि काफ़ी धारदार हैं और उन्हीं से पुलिस को शक है कि जो श्रद्धा की लाश है उसके टुकड़े किए गए थे। फिलहाल पुलिस खुल के ये नहीं बता रही है कि इन हथियारों की बरामदगी कहां से हुई है, क्या वो छतरपुर के जंगलों से हुई है या फिर गुरुग्राम के जंगलों से हुई है, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि ये बहुत बड़ा दावा है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है। जो आलाए कत्ल है और जिससे लाश के टुकड़े किए गए हैं वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। लगातार जो बताया था आफताब ने उसके बाद से लगातार सर्च की जा रही थी क्योंकि आफताब का अभी भी पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है और इसके अलावा शुरुआत से बात हो रही थी कि श्रद्धा की एक अंगूठी थी जो कि आफताब ने जब लाश के टुकड़े किए थे तब वो निकाल ली थी और वो अपनी एक गर्लफ्रेंड को दी थी। तो पुलिस का कहना है कि वो एक अंगूठी ज़रूर है लेकिन सोने की वो अंगूठी नहीं है और उसने अपनी एक महिला मित्र जिसको कि बंबल ऐप के जरिए उसने गर्लफ्रेंड बनाया था और उसे श्रद्धा की हत्या के बाद अपने फ्लैट पे भी बुलाया था। पेशे से वो साइकोलॉजिस्ट है यानी डॉक्टर है और उसको आफताब ने अपने फ्लैट पे बुलाया था। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली थी, उससे पूछताछ की गई थी और उसी से वो अंगूठी भी बरामद हुई थी। उसने बताया कि आफताब ने ये अंगूठी उसे बतौर तोहफे में दी थी और ये जो अंगूठी थी वो श्रद्धा को उसके पिता ने दी थी। तो उसके बाद से वो अंगूठी पुलिस ने बरामद कर ली है और आलाए कत्ल यानी कि जो हथियार थे जिनसे की लाश के टुकड़े किए गए थे 35, वो पुलिस बरामद कर लिए। इससे पहले 5 चाकू भी पुलिस बरामद कर चुकी थी
लेकिन पुलिस के लिए इसको इसकी जांच करना जरूरी था कि क्या उन 5 चाकू से श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए गए हैं या नहीं। लेकिन अब जो हथियार पुलिस ने बरामद किया है, पुलिस का कहना है कि ये बिल्कुल जो आलाय कत्ल है, यानी कि इससे श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए गए हैं, क्योंकि श्रद्धा की हत्या जो है वो गला घोट के की गई थी और उसके बाद 24 घंटे बाद उसकी लाश के टुकड़े किए गए थे। तो इस उन कुछ ऐसे हथियारों को जो है पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये बड़ा खुलासा जो है पुलिस ने किया है। पुलिस कह रही है अब जल्दी जल्द से जल्द वो इस मामले की और जो सबूत है उसे जुटाएगी, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो चल रहा है। और 11 बजे से शुरू हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, करीब 5 घंटे होने को आए हैं जब वो पॉलीग्राफ टेस्ट अभी चल रहा है। और मुमकिन है कि 5 तारीख यानी अगले सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी जो अम्बेडकर हॉस्पिटल में होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है कि पुलिस को जिस आलाय जरूरत है जो पुलिस के हाथ लगे हैं। आपके सूत्र दिल्ली पुलिस में क्या बता रहे हैं, जो तमाम जानकारी अब एक एक करके सामने आ रही है, इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट की क्या कोई भूमिका रही है? क्या उसके चलते कुछ ऐसी जानकारी मिली दिल्ली पुलिस को कि वो इन अहम सबूतों तक और इस घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने तक पहुंच पाई? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पॉलीग्राफ में मिली कुछ जो लीड थी उसकी वजह से जो है ये हथियार मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट अभी चल रहा है और पॉलीग्राफ टेस्ट जब होता है ख़त्म होने के बाद पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उसको एनालिसिस करके पूरी रिपोर्ट जो है वो केस के जांच अधिकारी को सौंपी जाती है। लेकिन उससे पहले ही हथियार बरामद हुए, यानी कि पुलिस को आफ्ताब ने जो पहले अपने जो लोकेशन बताई कि जहां पर उसने हथियार फेंके थे वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था और वो जो ब्लेड थे आरी के ब्लेड वो इतने पतले थे कि वो ज़मीन के अंदर मिट्टी में भी छुप सकते थे। तो उसके बाद जो है अब पुलिस का ये दावा है कि उनको हथियार मिल चुके हैं। ठीक है प्रमोद, जैसे ही कोई और अपडेट आती है इस मामले से जुड़ी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।